देहरादून के रायपुर क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। कूड़े के ढेर में नवजात शिशु के मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के पास कूड़े के ढेर में एक बैग संदिग्ध अवस्था में पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जब बैग की तलाशी ली तो उसमें एक नवजात शिशु था जिसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। हालांकि जब पुलिस ने इस शिशु की बरामदगी की तो उसकी सांसें चल रही थी। बिना कोई समय गंवाए पुलिस ने तुरंत ही शिशु को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। बता दें कि जिस शिशु को बरामद किया गया है उसके होंठ जन्म से ही कटे हुए थे। तफ्तीश करने पर पुलिस को यह जानकारी प्राप्त हुई कि ऐसे ही एक बच्चे ने कुछ दिन पहले एक सरकारी अस्पताल में जन्मदिन लिया है। फिलहाल पुलिस ने बच्चे को कूड़े में फेंकने वाले दंपत्ति के विरोध केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं इसके वजह से दंपत्ति ने यह फैसला लिया, इस मामले की जांच भी की जा रही है। 18 तारीख को सूचना मिली थी कि महाराणा प्रताप चौक के पास एक कचरे के डिब्बे में एक बैग पड़ा हुआ है संदिग्ध अवस्था में। जब पुलिस ने वहाँ चेक किया तो उसमें एक नवजात बच्चा जो है उसमें मिला था। चूँकि बच्चे की सांस चल रही थी उसको तत्काल पुलिस द्वारा जो है हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जब पूरी जानकारी की गई तो बच्चा किसी बीमारी से ग्रसित पाया गया था जिसके कारण उसका पूरा डेवलपमेंट शरीर का नहीं हुआ था। लेकिन चूँकि उसको जब इलाज किया गया तो डॉक्टर्स द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पूर्व ही वहाँ पर एक डिलीवरी हुई थी जिसमें ऐसे ही बच्चे को जो है प्रॉब्लम थी। तो इसके आधार पर जब पूरी जांच की गई तो उसके आधार पर पता चला कि एक फैमिली है दंपत्ति जिनके द्वारा अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक डिलीवरी हुई थी और बच्चा उनको ऐसा हुआ था। उसके आधार पर पुलिस ने जांच उपरांत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब किन परिस्थितियों में और क्यों वहाँ पर ऐसे छोड़ा गया था इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन में सभी तथ्यों को सम्मिलित किया जा रहा है।